नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे और आखिरी चरण के लिए मतदान 13 मई को होना है। 13 मई को प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इन सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। अब उम्मीदवार मतदाताओं को रिझाने के लिए डोर टू डोर संपर्क करेंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तो दिन भर ही जनसभाओं का, रैलियों का जोर देखने को मिला। तमाम दिग्गज सड़क पर उतरे और अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगा, लेकिन शाम 6 बजते ही प्रचार का शोर थम गया। अब जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ डोर टू डोर ही जनसंपर्क कर पाएंगे और सभी को इंतजार 13 तारीख का है, जब मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएगा 13 तारीख को, क्योंकि चौथे और आखिरी चरण का रण उस दिन है। 8 सीट पर मतदान होना है और इन्हीं फाइनल 8 सीटों के लिए बीजेपी, कांग्रेस सभी ने अपना पूरा जोर लगा दिया। हमारे साथ अलग अलग जगह से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं। हम रुक करते हैं मंदसौर का, जहां से हमारे साथ नरेंद्र धनोतिया जुड़ चुके हैं, साथ ही खंडवा से अमित जायसवाल और खरगोन से आशुतोष पुरोहित जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले नरेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मंदसौर में शाम 6 बजे तक किस तरह की प्रचार की रफ्तार देखने को मिली, क्योंकि आखिरी दिन था तो ऐसे में तमाम दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया हुआ था। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र जो है मालवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है और यहाँ पर इसको कहा जाता है कि आरएसएस की ये नर्सरी है और यहीं से सुंदरलाल पटवा जैसे मुख्यमंत्री निकले हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेजा जैसे मुख्यमंत्री निकले हैं, डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पांडे जैसे यहाँ पर छह बार के सांसद रहे हैं। तो एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है और आज ये प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है, जहाँ भाजपा के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जावरा में आम सभा करने आए थे। वहीं आज सुधीर गुप्ता ने डॉक्टर मोहन यादव के आने से पहले पूरे मंदसौर शहर में एक एक गली छान मारी, एक एक दरवाजा छान मारा और मतदाताओं की टोह लेने की कोशिश करी और अपील करी कि वे भाजपा के पक्ष में वोट करें। तो आज पूरी तरह से भाजपा ने जहां पूरा जोर लगाने की कोशिश करी, मुख्यमंत्री यहां पर तीसरी बार आ चुके हैं सुधीर गुप्ता के समर्थन में। वहीं कांग्रेस की तरफ से आज जो दिलीप सिंह गुर्जर उम्मीदवार है उनके पक्ष में आज गरोड़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सभा ली और उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। तो आज दिग्गजों ने पूरा जोर लगाया है, 6 बजे प्रचार थम गया और इस चुनाव में हमने एक बात देखी है कि जहां भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त दिख रही थी कि उस समय तक कि हम इस बार 5 लाख पार जीतेंगे, तो पहले जब भाजपा डरी हुई थी लेकिन आखिरी समय में देखा कि कशमकश वाला मामला है तो भाजपा ने कोई कसर बाकी नहीं रखी हुई, लेकिन कांग्रेस ने भी कोई कमी नहीं रखी प्रचार प्रसार में। दोनों ही दलों ने 6 बजे तक अपना पूरा जोर लगाया है। और जी जी, अमित जायसवाल, खंडवा का हाल बताएं आप। अमित, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? अमित लगता सुन नहीं पा रहे हैं। आशुतोष पुरोहित का रुख करते हैं। आशुतोष, आपने तो सीएम से बात भी कही कि खरगोन जब पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी पूरी आश्वस्त लग रही है लेकिन कहा जा रहा है कई सीटों पर मुकाबला कड़ा भी है, कांग्रेस के प्रत्याशी कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। खरगोन का हाल बताया। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि खरगोन में भी चुनाव रोचक हो गया है। आज प्रचार का अंतिम दिन था और प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस के प्रत्याशी पोरलाल खड़ते और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं गजेंद्र सिंह पटेल, दोनों ने पूरी दम लगा दी। दोनों ने आज खरगोन शहर में ही चुनाव प्रचार किया है और अंतिम समय में, और जैसे न्यूज 18 ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की थी तो डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट कहा था कि जनता के मन में मोदी है और मोदी पे विश्वास है, मोदी की गारंटी
को लेकर उन्होंने दावा किया था कि प्रदेश की 29 सीट जीत रहे। मैं आपको यहाँ पूरी खरगोन लोकसभा क्षेत्र की कहानी बताना चाहूंगा कि चुनाव प्रचार में यहाँ राहुल गांधी भी 6 मई को सेगांव पहुंचे थे। सेगांव में उन्होंने जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके समर्थन में एक बड़ी चुनाव सभा करी थी, लेकिन 7 मई को यहाँ नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने भी गजेंद्र सिंह पटेल के समर्थन में एक बड़ी सभा करी है। तो कुल मिलाकर जब राहुल गांधी और मोदी की सभा हुई उसके बाद चुनाव प्रचार जमकर यहाँ पर चला है और 13 मई को मतदान को लेकर अब प्रशासन ने भी पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है। खासतौर पर प्रशासन की चिंता है भीषण गर्मी और मतदान का प्रतिशत कहीं कम ना हो, इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही है। और आज जो अंतिम दिन प्रचार था इसमें गजेंद्र सिंह पटेल ने दावा किया है कि यहाँ पर खरगोन लोकसभा क्षेत्र में मोदी ही चुनाव लड़ रहे हैं, वो एक कार्यकर्ता है और मोदी की लहर है, मोदी पे लोगों को विश्वास है और गारंटी है। वहीं पोरलाल खरते का कहना था जो कांग्रेस के प्रत्याशी है कि यहाँ पर जनता चुनाव लड़ रही है, उनको किसी लहर की चिंता नहीं है, उन्होंने दावा किया है कि वो भी जीत रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो निमाड़ अंचल का खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र है जिसमें खरगोन बड़वानी जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पिछले 3 चुनाव से लगातार जो है भाजपा जीत रही है और इसका जीत का श्रेय इसलिए भी जाता है कि भाजपा का जो संगठन है और विशेष रूप से जो भाजपा के पीछे जो आरएसएस है वो काफी मजबूत है। पटना, बहुत शुक्रिया आशुतोष पुरोहित आपका भी और साथ ही नरेंद्र धनोतिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, बता दें कि तीसरे चरण की वोटिंग में कहां कितने परसेंट वोटिंग हुई है क्योंकि चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े रिलीज कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने बताया है कि तीसरे चरण की वोटिंग के फाइनल आंकड़े इस तरह से हैं। राजगढ़ में 76.04, 9 सीटों पर 66.75% वोटिंग हुई है। राजगढ़ में हुई है 76.04, दिशा सीट पर हुई है 74.48% वोटिंग। चुनाव आयोग ने ये फाइनल आंकड़े जारी कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की वोटिंग के ये फाइनल आंकड़े जारी किए गए हैं। एमपी की 9 सीटों पर हुए हैं 66.75%, राजगढ़ में 76.04, 74.48%, विदिशा में, बैतूल में हुए हैं 73.53, गुना सीट पर 72.43%, सागर पर 65.75%। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी के लिए रोड शो किया। सीएम के रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ा। रोड शो के दौरान जगह जगह फूलों की बारिश भी की गई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब नारे भी लगाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा धार के राजगढ़ पहुंचे जहां उन्होंने नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, साथ ही धार की भोजशाला का जिक्र भी किया। वीडी शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का इतिहास बना है, तो प्रधानमंत्री ने भोजशाला का उल्लेख भी कर दिया। भोजशाला का भी जल्दी निर्णय होकर जनता की आवाज पूरी होगी। भव्य राम मंदिर का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज इतिहास बनाए, तो भोजशाला के अंदर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख कर दिया है, भोजशाला भी जल्दी ही निर्णय होकर के इस क्षेत्र की जनता की आवाज जो है वो पूरी आवाज पूरी हो। देश के लोकतंत्र के साथ धोखा कर रही है, इनका इनका सिक्का खोटा और जनता से कह रहे हैं नोटा। जनता ने जवाब दे दिया है कि कोई नोटा वोटा नहीं चलेगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने देवास लोकसभा क्षेत्र के आगर में रोड शो किया और बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सोलंकी के समर्थन में वोट मांगे। इस मौके पर वीडी शर्मा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है। मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें और देश में 400 सीटें बीजेपी जीतेगी। चुनाव प्रचार अभियान थमने में अब कुछ ही घंटों का समय रह गया और आखिरी सभा में बीजेपी के दिग्गज लगातार ताकत झोंक रहे। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा देवास लोकसभा क्षेत्र के आगर पहुंचे हैं और यहां के जो प्रत्याशी उनके समर्थन में जनसभा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से बात करेंगे।
बात करने का हम प्रयास करेंगे। भाई साहब, चुनाव अभियान अब थमने वाला है, आपके समय में किस तरह की ताकत? आज आप देख रहे हैं कि मैं देवास लोकसभा के आगर में पहुंचा हूं और इस रोड शो के अंदर व्यापार जन समर्थन और उत्साह जो दिखाई दे रहा है, ये साबित करता है कि देवास शाजापुर हर बूथ पर कमल खिलेगा, 29-29 सीटें जीतेंगे और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ इस बार 400 पार का नारा पूरा करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा है, चौथे चरण में और बढ़े, इसलिए और बढ़ेगा। आगे हम सब ताकत के साथ लगे। कार्यकर्ता बूथ पर किस तरीके तैनात रहेंगे ताकि अधिक से अधिक मतदान हो? हर बूथ पर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के तैयारी के साथ जुटे हैं और हर बूथ पर कमल खिलेगा। प्रत्येक बूथ पर 370 नए वोट बढ़ाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। इस बार के चुनाव में देखें तो उमंग सिंगारो, जीतू पटवारी की साख भी दांव पर है, उनके इलाके में चुनाव है। इस बार पहले भी सुपड़ा साफ हुआ, इस बार भी होगा। वहीं खंडवा के रण में प्रचार के अंतिम दौर में दिग्गजों का दम देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने शहर में रोड शो किया। बीजेपी के ज्ञानेश्वर पाटिल को अनूठी स्कीम पर भरोसा है, कहा है कि 80% मतदान जिस बूथ पर होगा वहां की टोली को अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन कराएंगे। वहीं जिस बूथ पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा वहां की टोली को पीएम मोदी से मिलवाने ले जाऊंगा। उधर कांग्रेस के नरेंद्र पटेल का कहना है कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं, हम चुनाव जीत रहे हैं। मोदी जी की गारंटी है, जनता का विश्वास मोदी जी पर है और अंतिम दाव भी बहुत अच्छा लगने वाला है। क्षेत्र की जनता का पूरा प्रेम आप देख सकते हैं, चेहरे लोगों में बता सकते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। चुनौतियों का क्या प्रश्न, चुनाव जीत रहे हैं हम लोग। खंडवा लोकसभा क्षेत्र बड़ा, आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से आप जानते हैं कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र किस प्रकार का है। यहाँ पर बड़े चेहरे की कोई ऐसा आवश्यकता नहीं लगी उन लोगों को, और कहीं ना कहीं मैं समय भी उन लोगों के पास, हमारे बड़े नेताओं के पास नहीं हो पाया और उन लोगों को लग रहा था कि नरेंद्र पटेल यहाँ कांग्रेस पार्टी से जीत रहा है, इसलिए उनको आवश्यकता नहीं लगी। और भोपाल में बेटे के साथ वोटिंग करने का बीजेपी नेता का वीडियो सामने आने के बाद अब हरदा में पूर्व मंत्री कमल पटेल का फोटो सामने आया है, जिसमें वो वोटिंग करते हुए अपने पोते के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस फोटो को लेकर कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिला प्रशासन ने पूरे मामले पर ARO से रिपोर्ट मांगी है। मामले पर हरदा SDM कुमार शानू देवडिया ने कहा कि जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। देश के जो पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, उनका वीडियो वायरल होता है, उनके लोग डालते हैं, वो किस तरीके से अपने लोगों के साथ, बच्चों के साथ जाके वोटिंग जहां मशीन है वहां तक जाते हैं और वोट करके आते हैं। ये जो पूरा मसला है, ये संवेदनशीलता का मुद्दा है, ये जिम्मेदारी का मुद्दा है, ये नैतिकता का मुद्दा है। और जब बड़े लोग, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इसके माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं? मामले की जांच कराई जा रही है, जो भी चीज़ें सामने आएगी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। उसमें है, उसमें जो भी आएगा जांच में उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई होगी। नर्मदापुरम में गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, जहां सरकारी नर्मदा कॉलेज में मारपीट हुई। बाहरी युवकों ने कॉलेज के कैंपस में आकर छात्र से मारपीट की। फिलहाल मारपीट के मामले में कोई शिकायत नहीं हुई है। छतरपुर में एक बार फिर सरकार का बुलडोजर गरजा, जहां बदमाश के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला है। जिस बदमाश जाकिर खान के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, वो 20,000 का इनामी है। प्रशासन ने उसके अवैध कब्जे को धराशाही कर दिया। अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई संपत्ति की कीमत 1 करोड़ बताई गई है। इस दौरान SDM समेत मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। देखिए, आज छतरपुर शहर के नामी 20,000 के इनामी बदमाश जाकिर उर्फ जप्फू, जिनके विरुद्ध कई थानों में केस दर्ज है और उसका ईश्वरी प्रसाद जो रसिया जी के प्लॉट पर अवैध रूप से अतिक्रमण तथा उनके बाजू में यूसुफ के प्लॉट पर भी कब्जा करके उसने यहाँ पे अपना अड्डा बना रखा था, उस अड्डे को आज ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर उसके कमरा है, जहाँ पर उसकी ऐशगाह है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। और साथ ही साथ ईश्वर प्रसाद चौरसिया जी और
यीशु को तत्काल रूप से यहाँ कब्जा दिलाया जा रहा है और पुलिस प्रशासन नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई है। और मेरे साथ जो कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, जो असली जमीन के मालिक हैं, वो मेरे समक्ष है और उनके समक्ष में बुलवा कर यहाँ कब्जा दिलवाया जा रहा है।